आर्यन खान की जमानत याचिका आज मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने खारिज कर दी गई है, लेकिन अब आर्यन की जमानत याचिका को लेकर वकीलों ने बड़ा फैसला लिया है। मैंने आपको बताया कि कैसे अब जमानत याचिका अगर आज कोर्ट में खारिज हो गई है तो हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उनके वकील जो है बातचीत के दौरान ये बताते हुए नजर आए मीडिया चैनल्स को कि कल सुबह ही सेशन कोर्ट में उनकी स्पेशल एप्लीकेशन जो है डाल दी जाएगी। सैटरडे संडे है, कोर्ट बंद रहता है, ऐसे में कोशिश की जाएगी कि स्पेशल केस में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई हो और आज रात को ही एनसीबी में इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। तो आज 6 बजे से पहले का समय होता है कि अगर आप याचिका दायर कर सके तो 5:10 के आसपास जो है ये फैसला आ गया था कि आर्यन की जमानत याचिका आज खारिज हो गई है। तो सेशन कोर्ट में हो सकता है कि उनकी याचिका के लिए एप्लीकेशन आज ही डाल दी गई हो, नहीं तो कल सुबह स्पेशल केस में डाल दी जाएगी। तो आज फ्राइडे होने की वजह से अगर कल भी फैसला नहीं आता है तो आप सोचिए 3 दिन लगातार, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन लगातार जो है आर्यन को जेल में बिताने होंगे। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और आज जब जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो उनके साथ साथ जो बाकी दोनों हैं अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, इन तीनों की यानी कि तीनों की ही जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं आज आर्यन को आर्थर रोड जेल में ले जाया गया जहां पर उन्हें बैरक नंबर 1 में रखा गया है और 5 दिन का क्वारंटीन पीरियड होता है वो जो है पूरा करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि कोविड जो है अभी भी जो उनका, हालांकि मेडिकल टेस्ट हो गया है लेकिन उसके बावजूद जो है ये एक रूल होता है कि अगर आप जाते हैं तो आपको 5 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि कल फिर से सेशन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, तो ये सुबह पता चलेगा कि क्या उनकी स्पेशल एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट कल सुनवाई के लिए लेता है या फिर सोमवार को।